Hello students, now your second unit is started, which is the forms of business organization. And forms ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिट है इसके अंदर आपका 7 चैप्टर्स हैं और हियर ऑल द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन दिस यूनिट और जो आपके क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज है दैट विल बी इन द एंड ऑफ द यूनिट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सभी चैप्टर्स करने हैं, फिर उसके बाद आपकी जो यूनिट है वो मतलब एक्सरसाइज आएगी पूरी यूनिट की एंड देन यू हैव टू डू द क्वेश्चन. सो इट इज़ द रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स टू नॉट टू बी पैनिक दैट वेयर विल बी द क्वेश्चन. So you get these questions after completion of these 7 chapters and I will try to give you some questions in between how many chapters you have done. According to it, questions will be delivered to you. And first of all, the question is what are the various forms of business organization. So the forms of business organization means what are the various types of business. जो बिजनेस की वेरियस टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं. तो दैट द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर, सेकंड इज पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर. तो बेसिकली जो बिजनेस की फॉर्म्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस की उन्हें हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर. फिर उसके बाद में जो पब्लिक सेक्टर है वो फिर आगे 2 भागों में बट जाता है. पहला आ जाता है आपका नॉन रजिस्टर्ड या नॉन इनकॉर्पोरेटेड. बेटा नॉन रजिस्टर्ड या नॉन इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता है या जिसको गवर्नमेंट के अंडर क्या है जिसका रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी. इफ यू वॉन्ट टू मेक इट रजिस्टर्ड यू मेक इट रजिस्टर्ड एंड इफ यू थॉट दैट यू हैव नो नीड टू गेट द रजिस्टर्ड योर बिजनेस देन इट इज नॉट मैंडेटरी टू रजिस्टर्ड. इन इट देर आर 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस इज कंसिडर्ड. फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल का मतलब होता है अकेला, प्रोप्राइटरशिप यानी कि मालिक, जो एक अकेला व्यक्ति मालिक होता है. फॉर एग्जाम्पल शॉप्स का अकेला सिंगल पर्सन क्या होता है, उसका मालिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं. ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. थर्ड इज पार्टनरशिप. फोर्थ इज ज्वाइंट वेंचर. फिर उसके बाद में आ जाता है इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड के अंदर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कॉपरेटिव एंटरप्राइजेस. इनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, दे हैव टू फर्स्ट रजिस्टर. फिर पब्लिक सेक्टर को बेटा गवर्नमेंट सेक्टर भी कहते हैं. जो कंपनियां गवर्नमेंट के अंडर चलती हैं दैट आर नोन एज पब्लिक सेक्टर. तो अभी से आपको अपने माइंड में ये चीज़ डाल लेनी है कि गवर्नमेंट सेक्टर हम कभी नहीं कहेंगे, हम गवर्नमेंट सेक्टर को डिफाइन करते हैं ऑलवेज पब्लिक सेक्टर से. पब्लिक सेक्टर्स को भी आगे चलकर 2 भागों में बांटा जाता है, रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड. रजिस्टर्ड फॉर्म्स के अंदर पब्लिक कंपनीज, ठीक है, और जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो इसके अंदर आती हैं. बताएंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं. नेक्स्ट इसके बाद में आते हैं रजिस्टर्ड, जो नॉन रजिस्टर्ड होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, और जॉइंट स्टॉक जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर क्या करती हैं, काम करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं. सो नाउ this your whole unit is divided into all these portions. So first of all we are going to study this sole proprietorship. Okay, and I think you all remember what is the business organization ki kya definition hoti hai, the forms of business organizations. Forms hoti hain jo business organization ke various types hote hain, they are considered as a forms ke kitne types hote hain, ye forms hain sari ki sari business organization. Now we are going to start our first sole proprietorship, or it is called as sole trade. Sole proprietorship यानी कि जब एक अकेला proprietor होता है, मालिक, a single मालिक होता है. Sole trade अकेला व्यक्ति क्या करता है, sale and purchase करता है. Trade is related to the buying and selling. Sole single person जब क्या करता है, buying और selling करता है. सोल ट्रेड इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सोल ट्रेड क्या है, ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की. ऑल द प्रेजेंट डेज, आज के टाइम में जितनी भी क्या है फॉर्म्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, उन सभी फॉर्म्स के अंदर से सबसे जो हम कहते हैं कि ओल्डेस्ट फॉर्म है दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप.
ऑर्गेनाइजेशंस आर डेवलप्ड फॉर्म ऑफ दिस सिस्टम. अदर जो फॉर्म्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि हम बात करें दैट दिस योर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर दैट कंपनीज एंड दीज ऑल द एडवांस वर्जन ऑफ द सोल ट्रेड. तो सबसे पहले तो बेटा सोल ट्रेड था, उसके बाद ये सारी चीजें क्या है आई है. This is popular not only in India. सोल ट्रेड का जो बिजनेस है दैट इज नॉट पॉपुलर इन इंडिया, इंडिया के अंदर ही ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट इन फॉरन नेशंस के अंदर भी ये बिजनेस काफी ज्यादा पॉपुलर है. विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे क्या है टाइम बीतता गया है, वुमेन जो नीड्स है, एक वुमेन बींग की जो आवश्यकताएं हैं दैट आर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज बढ़ी है, सिविलाइजेशन हुआ है. बेटा सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि अलग अलग कम्युनिटी कास्ट के पीपल्स एक जगह, जैसे शहरीकरण जो होता है दैट इज सिविलाइजेशन, उसके डेवलपमेंट हुई है. तो उनके डेवलपमेंट के साथ साथ एंड अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑल्सो, जो फॉर्म्स है अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इज ऑल्सो अंडरवेंट अ चेंज. तो उनके अंदर भी क्या हुआ है, बदलाव आया है. ग्रेजुअली द इंडिविजुअल एफर्ट्स चेंज इन टू कलेक्टिव एफर्ट्स. सो इंडिविजुअल, एक अकेला व्यक्ति क्या करता था, व्यापार कर रहा था, दैट इंडिविजुअल एफर्ट्स आर कन्वर्टेड इन टू कलेक्टिव हो गए, सब लोग मिलकर करने लग गए, जिसे हम क्या कहने लग गए, पार्टनरशिप. देखो बेटा सोल ट्रेड तो होता है जिसके अंदर एक अकेला व्यक्ति काम करता है, पार्टनरशिप क्या होती है, जब दो, वेन टू एंड मोर देन टू पीपल्स स्टार्ट अ बिजनेस विद एन एग्रीड प्रॉफिट एंड लॉस. जब दो या दो से अधिक लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, किसके लिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से, और उनका लाभ हानि अनुपात यानी कि प्रॉफिट होगा तो उनके बीच में कैसे बटेगा, लॉस होगा तो हाउ दैट द लॉस इज डिवाइडेड, तो दैट इज एग्रीड डिसाइडेड. सो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं. कंपनी क्या होती है, कंपनी होती है मैनी पर्सन का जो ग्रुप होकर क्या करता है, काम करता है, दैट इज कंपनी. बट द सोल ट्रेड बिकॉज ऑफ इट्स मेरिट्स एंड स्पेशलिटी इज स्टिल रिगार्डेड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बट अ सोल ट्रेड की क्या है, कुछ खामियां भी हैं, कुछ फायदे भी हैं. तो इतनी खामियां होने के बाद भी अगर हम बात करें तो जो सोल प्रोपराइटरशिप है, सोल जो ट्रेड है, वो क्या है, रिमार्केबल है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट उसको दी गई. So now what is the meaning of sole proprietorship? Sole trade is that form of business. Sole trade business की वो form है which is established, जिसकी स्थापना की गई है by an single individual, एक अकेले व्यक्ति द्वारा. He invests the necessary capital, जितनी भी business के अंदर क्या है capital, पूंजी की आवश्यकता होती है, वो उस business के अंदर पूंजी लगाता है, manage करता है यानी कि उसकी देखरेख करता है, and directs it himself, और खुद ही क्या करता है, direction से भी देता है, इंटीग्रियस एंड हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस. खुद को ही क्या करता है, निर्देश देता है काम उसे कैसे करना है, खुद ही अपने आप की क्या बनता है, प्रेरणा बनता है. सच अ बिजनेसमैन, इस तरह का जो क्या होता है बिजनेसमैन होता है, इस कॉल्ड उसे क्या कहा जाता है, सोल ट्रेडर कहा जाता है, सोल व्यापारी कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एकल व्यापारी कहते हैं. एंड सच्चा ट्रेड, और इस तरह का जो ट्रेड होता है उसे क्या कहा जाता है, सोल ट्रेड कहा जाता है, एकल व्यापार कहा जाता है. इट इज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, किस चीज को आवश्यक है, टू अंडरस्टैंड, जानने के लिए, दैट द सोल ट्रेड डज नॉट मीन्स दैट अ सिंगल इंडिविजुअल. इसका ये मतलब नहीं है कि एक सिंगल व्यक्ति ही क्या करता है, सारे के सारे काम करता है, इंडिविजुअल खुद को डायरेक्ट करता है. बट बिजनेस कैन नॉट टेक द हेल्प ऑफ अनदर पर्सन, की वो दूसरे व्यक्ति की सहायता नहीं ले सकता है. ठीक है, दिस कंसेप्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनली पॉइंट टूवर्ड्स हिज ओनरशिप. सिर्फ ये ओनरशिप की देखें, मालिक वही होता है, ही कैन टेक द हेल्प ऑफ अनदर पर्सन फॉर द एक्टिविटीज. अब वो जो अनदर पर्सन की वो जो हेल्प लेगा, अगर वो कुछ भी गलत काम करते हैं तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ही इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल, वही व्यक्ति जो ओनर है, ठीक है, सोल उसका, ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एफर्ट्स डन बाय हिज बिलोवर्स. So hence a sole trader can take the help of another person. So जो एक होल ट्रेडर होता है, होल सोल ट्रेडर होता है, वो अन्य व्यक्तियों की क्या कर सकता है, सहायता ले सकता है इन हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के अंदर अपॉइंट कर सकता है एम्प्लॉयज को, बट फाइनल जो रिस्पॉन्सिबल है वो सोल ट्रेडर का ही अकेला उसमें रहेगा. दी अदर मेजर थिंग्स इज रिलेटेड टू कैपिटल. दूसरी जो बात आती है कैपिटल की आती है. कैपिटल शब्द का मतलब होता है पूंजी, किस तरह के व्यापार के अंदर पूंजी कौन लगाता है.
इन द सोल ट्रेड, सोल ट्रेड के अंदर द कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय वन इंडिविजुअल, एक अकेला व्यक्ति क्या करता है उसके अंदर व्यापार के अंदर पूंजी लगाता है, विच मीन्स दैट नोबडी एल्स कैन द पार्टनर। तो इसका मतलब है कि कोई अन्य व्यक्ति उसके अंदर साझेदार नहीं हो सकता है, यानी कि पूंजी उसके अंदर नहीं लगा सकता है। बट देयर इज नो बार गेटिंग द नेसेसरी फाइनेंस फ्रॉम द अदर्स इन अ फॉर्म ऑफ लोन। तो इस बात के ऊपर कोई भी क्या है पाबंदी नहीं है कि अगर उसे क्या होती है पैसों की आवश्यकता होती है तो किसी को वो साझेदार तो नहीं बना सकता है, पार्टनर तो नहीं बना सकता है, बट ही कैन टेक लोन, वो क्या कर सकता है लोन ले सकता है फ्रॉम अनदर पर्सन अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नाउ द डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, इट रेफर्स टू दैट, ये वो फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की विच इज ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल, जिसका ओन यानी कि मालिक सिंगल पर्सन होता है, एक अकेला व्यक्ति होता है, हु इज सोली रिस्पॉन्सिबल, सोली यानी कि अकेला ही क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हिज मैनेजमेंट, अपने रख रखाव के लिए, एंड रिसीव्स ऑल द प्रॉफिट एंड लॉसेस, और बिजनेस के जो भी लाभ मुनाफा होता है या नुकसान होता है वही उसके लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ कम ऑन द फीचर्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, की जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसके फीचर्स क्या है। बेटा फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएं, कि इसकी विषय में कौन कौन सी इसकी क्या है विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट आ जाता है इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप का मतलब होता है इंडिविजुअल अकेला, ओनरशिप यानी कि मालिक, जो सोल ट्रेडर होता है वो अकेला ही क्या होता है व्यक्ति इसका मालिक होता है। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, जो पहला और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किस चीज का सोल ट्रेड का, इज दैट इट इज, कि ये ओन किया जाता है किसके द्वारा चलाया जाता है, बाय वन इंडिविजुअल बाय वन पर्सन, विच मीन्स जिसका मतलब है दैट ही इज द सोल ओनर, कि वो अकेला ही क्या है उसका ओनर है। ऑल द असेट, सारी की सारी असेट, सारी संपत्ति और जितने भी रिसोर्सेस हैं बिजनेस के वो सारे उसी के ही है। सोल मैनेजमेंट, सोल अकेला मैनेजमेंट यानी कि रख रखाव, अकेला व्यक्ति ही क्या करता है अपने बिजनेस का रख रखाव करता है। इन द सोल ट्रेड, सोल ट्रेड के अंदर दी ओनर, जो मालिक होता है, परफॉर्म करता है द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के रख रखाव के सारे काम। बट विद द इंक्रीज ऑफ द साइज, लेकिन अगर उसके बिजनेस का जो साइज है अगर वो बढ़ता है, वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस विस्तार होता है उसका, ही कैन अपॉइंट, वो किसी मैनेजर को या अपने किसी क्या है हेल्पर को वहां पर अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो अकेला ही क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर ऑल द एक्सपेंस ऑफ द मैनेजर्स, यानी कि जिस भी हेल्पर को वो अपने लिए रखता है वहां पर, वो जो भी कृत्य करते हैं, कार्य करते हैं, उन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, वो अकेला ही रहेगा। नाउ द सेकेंड इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आई थिंक अकाउंट्स में यू हैव ऑलमोस्ट डन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी। बेटा लाइबिलिटी को हम क्या कहते हैं, दायित्व कहते हैं। लाइबिलिटी का मतलब होता है, मान लो मैं किसी से लोन ले लेती तो मेरी लाइबिलिटी बन जाती है, ठीक है, कि मैं, मुझे वो पैसे उसके क्या करने हैं, चुकाने हैं, मुझे उसके देने हैं। फिर हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी कहते हैं अनलिमिटेड, यानी कि लाइबिलिटीज जो होती हैं वो असीमित हो जाती हैं। लाइबिलिटी ऑफ द सोल जो ट्रेडर होता है कैन बी मोर देन कैपिटल, कई बार उसकी लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती है जितने उसने पैसे लगाए थे, कहीं उससे ज्यादा। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ हैवी लॉस, अगर उसके बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द पेमेंट विद द हेल्प ऑफ द असेट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो संपत्तियां, असेट्स संपत्तियां होती हैं, बिजनेस की जो संपत्ति है उसको बेचकर भी अगर उस घाटे की भरपाई नहीं होती है, देन नॉट ओनली द डोमेस्टिक असेट्स, उसकी जो खुद की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, डोमेस्टिक असेट्स है, उसे भी क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है किसके लिए, उसके घाटे की भरपाई करने के लिए, टू कवर अप द लॉस, लॉस को कवर अप करने के लिए। बट ही कैन बी डिक्लेयर्ड, और उसे क्या है, डिक्लेयर भी किया जा सकता है बैंकरप्ट का क्या मतलब होता है, दिवालिया, उसे दिवालिया भी घोषित किया जा सकता है, एंड हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, और वो उन सभी कामों के लिए खुद ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। अब सोल प्रोप्राइटरशिप की एक ये बहुत बड़ी पहचान होती है कि कंप्लीट क्या होती है, उसके पास फ्रीडम होती है कि वो किसी भी तरह के व्यापार को चुन सकता है। एक जो क्या होता है सोल ट्रेडर होता है कैन सेलेक्ट एनी ट्रेड, किसी भी ट्रेड को, व्यापार को क्या है, चुन सकता है एज हिज विश, अपनी इच्छा के अनुसार। दी
सिलेक्शन ऑफ ट्रेड फ्रॉम अमंग वेरियस अमंग बहुत सारे वेरियस बेटा ट्रेड करने के, उनमें से वो खुद चुन सकता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे हैं, वो ग्रोसरी स्टोर ओपन कर सकता है, वो जनरल स्टोर ओपन कर सकता है, वो गारमेंट्स का कर सकता है, तो देर आर वेरियस पार्लर खोल सकते हैं, रिपेयर शॉप हो सकती है। तो इस तरह से आप देखो तो वेरियस क्या है, चीन है, तो उनमें से किसी को भी वो क्या कर सकता है, सिलेक्शन कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग काम कर सकता है। इन दिस वे, इस प्रकार, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रेशर, इस तरह से वो बिना किसी प्रेशर के फ्रॉम अदर पीपल्स से क्या है, सेलेक्ट कर सकता है, उसकी मर्जी है, वो किसी को भी चुन सकता है, किसी का उस पर प्रेशर नहीं होता है। एनी बिजनेस एज पर हिज विश एंड कैन मेक एनी चेंजेस फर्दर फ्यूचर इफ नीडेड बी। फ्यूचर में अगर उसे वो बंद करना है, कोई और शुरू करना है, तो वो उन सब चीज़ों के लिए फ्री है इन फ्यूचर। He want to change, he can change it. वो जैसा चाहे, जिस प्रकार से चाहे, वो क्या कर सकता है, इनके अंदर बदलावों को कर सकता है। Nobody can stop him. Now the next is the secrecy. Secrecy यानी कि secret, इनकी information का leak ना होना। There is another speciality. इसके अलावा भी एक speciality पाई जाती है sole trade की, that which is not found in any other business के अंदर, organization में नहीं पाई जाती है। That is वो क्या है, IE होती है बेटा, that is वो क्या है, secrecy की सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मालिक के पास ही होती है। द इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट मैटर्स, जितनी भी इम्पॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, उनकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है कंसर्न, द रेस्ट ओनली विद द ओनर्स, किसके पास होती है बिजनेस की, ओनर के पास ही रहती है, आउटसाइड पार्टी को उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो कई बार सोल ट्रेडर इसी चीज का क्या करता है, फायदा उठाता है और अपने बिजनेस को स्पेस प्रोवाइड करता है। नाउ इसके बाद में आता है नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस। बिटस लीगल आइडेंटिटी का मतलब होता है, जैसे कि देखो कई बार हम ये कहते हैं कि कंपनी और कंपनी को चलाने वाला दीज हैव सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट होते हैं, अलग अलग क्या है, कंपनी अलग है, कंपनी को चलाने वाला अलग होता है। क्योंकि बेटा कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे कि हम लॉ से क्रिएट करते हैं, इस तरह हम तो नेचुरल पर्सन हो गए, लेकिन कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है, उसका एक नाम होता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, जो ट्रेड है, जो उसका व्यापार है, ठीक है, और ट्रेड को चलाने वाला सोल प्रोप्राइटर हो गया, ठीक है, इसको अलग कर दो, सोल प्रोप्राइटर, दोनों वन यूनिट कंसिडर की जाती है, दोनों क्या होती है, एक होती है। तो इसलिए क्या कहा जाता है, इनकी सेपरेट कोई आइडेंटिटी एंटिटी नहीं, अलग अलग पहचान नहीं है, दोनों एक ही है। क्यों, क्योंकि अगर बिजनेस को लॉस हो गया तो मालिक का ही तो पूरा लॉस हो गया, उसकी पर्सनल असेट्स तक उसमें ले ली जाती है। इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इस फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस मैन आर नॉट कंसिडर्ड सेपरेट, नहीं होता है वो बिजनेस से, विच मीन्स दैट बिजनेस हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, सेपरेट उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, ना ही उसकी पहचान है, किससे, फ्रॉम दैट ऑफ द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन से। ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस आर दैट ऑफ बिजनेसमैन, जितनी भी असेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं बिजनेस की, वो सारी की सारी किसकी होती है, बिजनेसमैन की होती है। हेंस ही अलोन विल पुटर, वो अकेला ही क्या होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑल द एक्टिविटीज जो भी व्यापार के अंदर की जाती है या उसके द्वारा नहीं की जाती। अनडिवाइडेड रिस्क, बेटा रिस्क होता है अनसर्टेनिटीज, तो रिस्क डिवाइड ही नहीं होता है, किसी को भी नहीं दे सकता, लाभ भी सारा उसी का ही होगा सोल ट्रेडर का और नुकसान हानियां भी उसी की होगी। नाउ इज सूटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बेटा सोल ट्रेड का बिजनेस ऐसा नहीं, सभी प्रकार की चीजों को अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, कुछ लिमिटेड एरियाज है जिनके अंदर हम इसे क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स को हमारे द्वारा लिया जा सकता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, वो भी अकेला है, जॉब ऑफ स्टिचिंग, स्वीट मेकिंग, बेकरी, ब्यूटी पार्लर एक्सेट्रा, जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल, एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, रखरखाव कर सकता है, तो वही इसके अंदर क्या है, कंसिडर किया जाता है। एंड आज के लिए इतना ही, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू मे कॉल मी एंड क्लियर योर डाउट्स।
थैंक यू बेटा।